मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ठग इस वेबसाइट में से पुलिस के अपलोड की गई एफआईआर को डाउनलोड करता था और फिर वादी को फोन कर उसकी मदद करने के नाम पर ठगी करता था। ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसके बाद एक वादी की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए कपिल तोमर नाम के शाते ठग को गिरफ्तार किया है। दरअसल यूपी कॉप ऐप से ऑनलाइन तरीके से शिकायत करता या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठकर एफआईआर को डाउनलोड कर सकता है। एक शाते ठग कपिल तोमर ने इसी ऐप के जरिए लोगों को ठगने का कारोबार शुरू कर दिया। पुलिस की माने तो कपिल तोमर बड़ा ही शातिर किस्म का अपराधी है और यूपी कॉप वेबसाइट से एफआईआर को डाउनलोड करता था, उसमें वादी का नंबर निकालता था और वादी को फोन करके उसकी मदद करने के नाम पर अपने अकाउंट में पैसे मंगा लेता था। देखिए, कपिल तोमर नाम का एक शातिर अपराधी है जो कि यूपी कॉप से एफआईआर डाउनलोड करता था तथा ये वादी एवं प्रतिवादी या मुलजिम पक्ष होते थे उनको ही कांटेक्ट करता था। ये वादी पक्ष को जैसे सूचना देने के नाम पर, मुलजिम पक्ष को नाम निकलवा देने के नाम पर उनसे कुछ रुपए लेकर ठगी करता था। कुछ दिन पहले जैसा आपको ज्ञात होगा कि परीक्षितगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी, उसमें इसने वादी को कॉन्टैक्ट किया था। वादी से इसने 2000 रुपये मांगे थे कि मैं मुलजिम पक्ष का या जो अपराधी है जिसने लूट की, मैं उसका आपको पता बता सकता हूँ। सूचना मिलते ही वादी द्वारा पुलिस को कांटेक्ट किया गया है। उसके बाद पुलिस ने इस पर काम किया, जिस नंबर से इसने कांटेक्ट किया था, और इसकी डिटेल निकाली गई। डिटेल निकालने के बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है, इसने काफी लोगों को ठगा है। अब इसमें कोतवाली थाना, कोतवाली और सरदना में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अभी हो सकता तो जा सकती है, इसमें जैसे मैं बताया पूछताछ की जा रही है इससे, और किसने लोगों को इसने ठगाया, इसके फोन की भी जांच की जा रही है, किस किस लोगों को इसने कॉल किया है, कौन कौन से इसने एफआईआर डाउनलोड किए हैं, उन सभी जो भी मुलजिम या जो भी इसमें वादी पक्ष उनको कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, उनसे भी पूछा जा रहा है क्या इसने आपको कॉन्टैक्ट किया है। और अभी रिकवरी इसके पास मोबाइल फोन जो यूज करता था, जिससे ये करता कॉल करता था, वो इसके पास से बरामद हो चुका है। पिछले कई महीनों से कपिल तोमर ऐसे ठगने का काम कर रहा था और पुलिस को इसकी कानो कान खबर नहीं हो पा रही थी। लेकिन मेरठ में एक महिला से हुई लूटपाट के मामले में भी कपिल तोमर ने जब महिला को फोन किया और पैसे मांगे तो महिला को मामला संदिग्ध लगा। महिला ने पुलिस को सारी जानकारी दे दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कपिल तोमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बताया कि वो अब तक करीब 10 से 15 लोगों को ठग चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।